Hey guys, what's up? Welcome to our channel and I hope you are liking our video. So please keep supporting us. तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले ODI मुकाबले के बारे में. और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि भारतीय वाइस कैप्टन रोहित शर्मा की जगह हमें कौन से युवा बल्लेबाज का चेहरा भारतीय प्लेइंग 11 में देखने के लिए मिल सकता है. तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोस्तों. तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की और आप लोग आनंद उठा पाएँ हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ का. आइए दोस्तों समय को ना ज़ाया करते हुए अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया ODI सीरीज़ के पहले मुकाबले के बारे में. दोस्तों ये मुकाबला 5 फरवरी भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाने वाला है. दोस्तों इस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड की टीम ने कुल लास्ट ईयर 27 मुकाबले खेले थे, जिसमें से न्यूजीलैंड की टीम को 20 में जीत दर्ज हुई, जबकि 7 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. अगर दोस्तों इस मुकाबले में पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो इस मैदान पर 262 रन फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है. इस मैदान पर कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 21 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है. तो दोस्तों इस मुकाबले में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टॉस की अहम भूमिका रहेगी. जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बाद में बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगा. ये दोस्तों अब जान लेते हैं रोहित शर्मा की जगह भारतीय प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है. दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ये खुद ही पुख्ता किया है कि रोहित शर्मा की जगह वह पृथ्वी शॉ को खिलाएंगे. आइए दोस्तों अब जरा नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीमों की कल के मैच के लिए प्रोबेबल प्लेइंग 11. अगर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम से हमें सलामी जोड़ी के रूप में देखेंगे मार्टिन गप्टिल और हेनरी निकोलस. बल्कि मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं मार्क चैपमैन, रॉस टेलर, कप्तान टॉम लेथम. दोस्तों जेम्स नीशम, कॉलिन डी ग्रैंडोम, मिचेल सेंटनर हमें न्यूजीलैंड की तरफ से ऑलराउंडर की अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं. दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो हमें टिम साउदी, हाशिम बेनेट और इस सोडी का चेहरा नजर आ सकता है. अगर दोस्तों इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पृथ्वी शॉ मयंक अग्रवाल के साथ अपना डेब्यू करते नजर आ सकते हैं. यहीं दोस्तों अगर इंडिया की इस मुकाबले में मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर की दारोमदार संभालते हुए हमें नजर आ सकते हैं कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और मनीष पांडे. दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे रविंद्र जडेजा. दोस्तों भारतीय टीम के बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बॉलिंग लाइनअप में हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी, यजुविंदर चहल और जसप्रीत बुमराह. अगर दोस्तों मौजूदा खिलाड़ियों की फॉर्म को देखते हुए आकलन किया जाए तो भारतीय टीम के इस मैच को 70-75% चांसेस हैं जीतने के. तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सब लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की और आप लोग आनंद उठा पाएँ हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ का. अच्छा दोस्तों तो थैंक यू.